नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक युवक जो लगातार अपशब्दों का उपयोग कर रहा है, स्कूल में जाकर अपशब्दों का उपयोग कर रहा है, धमकी दे रहा है, सिर काटने जैसी धमकी दे रहा है। जब इस संबंध में पड़ताल की गई तो पता चला कि फुटेरा का ये स्कूल है, जहां पर ग्राम के सरपंच उदयवान सिंह के द्वारा ये आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग स्कूल परिसर में किया जा रहा है। बच्चों की परीक्षा चल रही थी, सुबह की पाली में बच्चे परीक्षा दे रहे थे और सरपंच उत्पात मचा रहे थे। अतिथि शिक्षक को भी उनके द्वारा अपशब्दों का उपयोग किया गया। इस संबंध में एक शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई गई है। शाला के तमाम शिक्षकों ने एवं प्राचार्य के द्वारा इस बात की शिकायत भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई है। बताया जाता है कि 11 तारीख का यह पूरा मामला है, जब ग्राम के सरपंच उदयवान सिंह यहाँ पहुंचे थे, जिनके द्वारा अपशब्दों का उपयोग किया गया। स्कूल है, शिक्षा का मंदिर है, बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में अपशब्दों का उपयोग उचित नहीं कहा जा सकता, जिसके चलते शिक्षकों के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। प्राचार्य के द्वारा भी कार्रवाई की मांग की गई है। दमो कलेक्टर, दमो पुलिस अधीक्षक एवं अन्य स्थानों पर इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो वायरल हुआ। हालांकि अब वीडियो जो वायरल हुआ इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन शिक्षक के द्वारा बताया गया कि वीडियो उसके द्वारा बनाया गया है, सोशल मीडिया पर डाला गया है, साथ ही उचित कार्रवाई की मांग उसके द्वारा की गई है। नितिन राय, अतिथि शिक्षक के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुटेरा कला में कार्यरत हूँ और यहाँ पर त्रिमासिक परीक्षा का आयोजन भी चल रहा है, जिसमें कल 11 तारीख को सुबह प्रथम पाली में 9:30 के आसपास हमारे ग्राम फुटेरा कला के सरपंच उदयभान से आए और यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आके हाथ में कागज़ लिए थे, जो बाहर से लेके आए, जहाँ से लेके भी आए, वो कागज़ लिए थे और डायरेक्ट वो गाली गलौज करने लगी, सभी शिक्षकों को गाली देने लगी। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई में जो परीक्षा चल रही थी उसमें व्यवधान पैदा किया और उन्हें कई तरीके से धमकी दी है कि आपको सभी शिक्षकों को जान से मार देंगे और मूड काट लेंगे, इस तरह के उनने बयान दिए, मैंने वहाँ कहा, जिसकी हमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके अपने मोबाइल में जेब में आगे के जेब में मोबाइल रख लिया, जिससे वो भी सारी उसकी जो सरपंच जो दयावान सिंह की जो बयान जो उनने बोले हैं धमकी वाले जिस तरीके से बयान दिए हैं बोलते गए वो सारी रिकॉर्डिंग वीडियो में है। तो हम चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये सरकारी जो अपना स्कूल है तो ये बगैर अनुमति के प्रवेश भी किया इनने, विद्यालय के अंदर भी जाके इनने गाली गलौज की है और शासकीय कर्मचारियों से भी अभद्र व्यवहार अभद्र बातें बोली हैं और बस मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।